अच्छा, मतलब हमारी गुड़िया भी बच्चों को पढ़ाएगी। बीजू भाई गुजरात के रहने वाले। बीजू भाई का जन्म 15 नवंबर 1885 को सौराष्ट्र में हुआ। 1910 में उन्होंने कानून की पढ़ाई की और वकील बने। उसके बाद उन्होंने वकालत शुरू की। अचानक से उनका मन परिवर्तित हो गया और वो शिक्षा की तरफ अग्रसर हुए और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने नए नए प्रयोग किए। चलते हुए बात करते हमें तो केवल अपने परिणाम से मतलब है।
कि मेरे परिणाम का नतीजा स्वयं शिक्षा अधिकारी निकालेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं। चलिए ठीक है, हम आपको आपकी कक्षा दिखा लेते हैं। जी चौथा देश कक्षा का देश। तो बच्चों मैं तुम्हारा नया शिक्षक, शांति से बैठो। बच्चों मैं तुम्हारा नया शिक्षक हूं, मैं तुम्हारा नया शिक्षक हूं, और आज हम कुछ नहीं करेंगे, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम खेल खेलेंगे। हाथ
नाखून बड़े हैं, नाखून काटना जरूरी है, समझे? बच्चों सुनो, पत्ता जो है समझे? खाना खा लिया? तो कहानी सुने? ये कहानी सुना दो। एक था राजा, उसकी थी सात रानी। कितने राज्य? सातों राज्यों के सात कुंवर और सातों की सात राजकुमारी। और उन सातों राजकुमार के ये बड़े-बड़े महल थे। हाँ, बड़े-बड़े महल। अब चल जाओ, छुट्टी। अच्छा, कहानी सुनी है? कहानी पसंद है? पुस्तक तुमका तो पढ़ोगे? चलो फिर आ जाओ। गंदे तरीके से पहले उनके बीच मेरा बेटा
समझ रहे हैं ना? और इतनी बड़ी कक्षा है और उसमें आपको ध्यान दो, लाल में जाता भी नहीं होगा। आप ऐसा करिए, अगली कक्षा के लिए शाम को मेरे घर जरूर आइए। ऐसी बातें करते हैं? अरे मेरे लिए सारे बच्चे एक समान है, मैं ऐसा कतई नहीं कर सकता। मास्टर जी, हम जमींदार हैं, जमींदार जितना पैसा मांगोगे उतना दे देंगे। इतनी नोस नहीं सोचा, जिस अतिरिक्त समय जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ये आगे चल के इतना बड़ा रूप ले लेगा, आपको पता नहीं है। ये शिक्षा के मूल को कमजोर करेगा, और मैं ऐसा कतई नहीं करूंगा, और ना मैं शिक्षा का व्यवसाय करने लगूंगा। भाई जी, आप एक बहुत बड़ा अवसर खो रहे हैं। बिल्कुल, और मैं अपने बच्चे को कहीं पर भी पढ़ा लूंगा, मैं जा रहा हूं। तू रो क्यों रहे हो? रो क्यों रहे हो बेटा? मैं रो रहा हूँ उनसे। गावल देखेंगे तो तुझे मार देंगे। क्यों? मैं ऐसे तो किसने कहा तुमसे बेटा ये सब? बस आप उसे दूर रहिए। पाठशाला जाते हो? जी नहीं, हम पाठशाला में कुछ नहीं दिया जाता, बस मिलने की साफ करते हैं। किसने चलाओ? आओ, अरे तुम्हें तुम्हारा हाथ देने तैयार आवाज आओ कभी बस। मेरी एक शंका है,
मुझे चैन नहीं। जब तक बच्चों को विद्यालयों में मार पड़ती रहेगी, जब तक बच्चे घर पे मार खाते रहेंगे और उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मैं बस फिर कहता हूं कि बच्चों को सब कुछ है, क्रियाशीलता है, करने की क्षमता है, क्यों ना बच्चों को जाना जाए। धन्यवाद। Stage only. All the participants of Kiju Bhai Badeka House, please come up on the stage.